नमस्कार। आज हम जानेंगे कि वास्तु अनुसार सोने का कमरा कैसा रहेगा। दिन भर की थकान के बाद अगर चैन की नींद नहीं आए तो सुबह फ्रेशनेस कैसे फील होगी। रात की नींद ही अगर अच्छी नहीं है तो सारा दिन काम में मन ही नहीं लगेगा। कोई ऐसी दवाई ही नहीं है जो नींद की फ्रेशनेस को रिप्लेस कर दे, इसलिए सोना बहुत ही जरूरी है। लेकिन यह भी जरूरी है कि नींद तो आ गई लेकिन फिर भी रिलैक्स फील नहीं हो पाता, क्योंकि जैसी जगह आप सोते हैं आपका मन वैसे ही हो जाता है। वास्तु के अनुसार अगर आप सोने की सही जगह चुनते हैं तो ही फायदा है। नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम, अब यह पानी की दिशा है। क्या पानी के जोन के ऊपर हम सो पाते हैं? सोने के लिए अर्थ का जोन ही बेटर है, नहीं तो नींद नहीं आएगी और पानी में लहरी रहेगी। ऐसे में एनर्जी भी कम हो जाएगी और ओवर थिंकिंग, जुकाम, साइनस, अस्थमा की परेशानी हो सकती है। मेमोरी रिकॉल भी नहीं हो पाती और इमोशंस बैलेंस भी नहीं रहते। ऐसा इंसान कभी कभी ये भी कहेगा कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ सोने वाला लाइफ में कुछ न करने के लिए भी जी चुराएगा। यहाँ सोने से धार्मिकता में भी रुचि रहेगी, इसलिए यहाँ बुजुर्गों के लिए ये प्लेस बेटर है। ईस्ट में बेडरूम उसी के लिए बेटर है जिसका काम सोशल एसोसिएशन, पॉलिटिक्स, सरकार से रिलेटेड या सत्ता से जुड़ा होगा, तो ही यह बेडरूम बेटर है। यहाँ सोने वाले के नए नए कॉन्टेक्ट बनते हैं और लोगों में अपनी पहचान बनती है। ऐसे में सुबह उठकर एनर्जेटिक बने रहेंगे। साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम होगा तो एंजाइटी, इरिटेशन और रिश्ते में आपस में बहस होना और घर से बाहर ही रहने का मन रहना, ऐसे में आपस में बिजनेस और पैसे की ही बातें होती रहेंगी और पैसा कैसा कमाया जाए यही सोच रहेगी। बस दिमाग में पैसा कमाने के घोड़े ही दौड़ते रहेंगे और कई बार छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करना आदत में शुमार हो जाता है। आपसी मनमुटाव भी रहता है, एक दूसरे की बुराइयां और कमियां ढूंढना, साथ में खर्च भी बढ़ जाता है क्योंकि आग्नेय कोण में सोने से क्रोध अपनी चरम सीमा पर आ जाता है। साउथ का बेडरूम सबसे बेटर है, यहाँ नींद बहुत रिलैक्स भरी आती है, आराम भी बहुत मिलता है, रिलैक्स रहते हैं। अपने नेम फेम के लिए इंसान मेहनत करता है और उसको लाइफ में कैसे जीना है वह खुद ही बैलेंस करता है। यहाँ सोने से सभी चक्रास भी हमारी बॉडी के बैलेंस रहते हैं, रिश्तों में आपसी प्रेम भी बना रहता है। साउथ वेस्ट का जोन यह रिलेशनशिप का जोन है। यहाँ बेडरूम होने से आप अपने रिश्तों को ही आपस में जज करने लग जाएंगे कि कौन कितना बेटर कर रहा है। यहाँ सोने से खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। यह पितरों की दिशा है, स्किल्स की दिशा है। यहाँ अगर आपके पेरेंट्स होते हैं तो ही बेटर है जिनकी एज अच्छी है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे के लिए भी बेटर प्लेस है क्योंकि स्किल्स का जोन है। वेस्ट में अगर बेडरूम होगा तो यहाँ सोने वाले के थॉट्स जो है बढ़ते रहते हैं, जिससे नए नए आइडियाज भी आते रहते हैं। उनके लिए भी यह दिशा बहुत अच्छी है जो नए नए आइडियाज करके काम करते हैं। यहाँ सोने से इंसान जो सोचता है वो होने लगता है, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ती है। यह दिशा भी सोने के लिए ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम होगा तो बार बार मन बाहर भागने को करेगा और घर पर मन ही नहीं लगेगा। अगर आपके घर में किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है या किसी को विदेश बाहर जाना है तो उसको यहाँ सुलाए तो उसकी बात जल्दी ही बन जाएगी। अगर किसी को डिप्रेशन है या ओवर थिंकिंग है या थायराइड है तो वो इंसान यहाँ कभी भी ना सोए। यहाँ सोने वाले को हमेशा किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वह इंडिपेंडेंट भी नहीं हो पाता है। अगर बेडरूम नॉर्थ में है तो वहां बच्चों को सुलाए जिन्होंने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लानी है, जॉब लेनी है या वह उन्हें करियर ओरिएंटेड होना है या उन्हें पढ़ना है, लेकिन सिर्फ नॉर्थ में कभी भी ना हो। न्यू मैरिड कपल को यहाँ बिल्कुल भी नहीं सुलाना चाहिए। आप भी वास्तु के अनुसार बेडरूम बनाए तो बहुत ही ठीक रहेगा। तो आज हम अपने विषय को यही विराम देते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। तो अभी के लिए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे।